मां दा दर्जा अते स्थान मनुख दी जिंदगी विच सब तो अहम हुंदा है। मां ही हुंदी है जो बचपन तो ही बच्चे लई असह अते अकै दुख सहारदी है अते अपने बच्चां दी परवरिश विच कोई भी कमी नहीं छड़दी। अजिही ही माता सन श्रीमती आशा राणी आनंद जी, जो कि एक संस्कारी औरत सी अते परमात्मा विच अथाह विश्वास रखण वाली औरत सी। उन्हां अपने बच्चां नूं भी अपने वर्गे ही रस्ते ते चलण दी सिख्या दित्ती। उन्हां दे बच्चे बहुत ही संस्कारी हन अते माता जी दे पाए पूर्णियां अनुसार अपनी जिंदगी बसर कर रहे हन। माता जी दी याद विच एक धार्मिक समागम श्री शीतला माता मंदिर कुम्हार मंडी फिरोजपुर छौनी विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती वी संगता ने शिरकत कीती अते माता जी नूं श्रद्धा दे फुल पेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। धार्मिकम श्रीदासम, धार्मिक व्यक्ति की पूजन करने वाले की, पाठ करने वाले की, भगवान का नाम स्मरण करने वाले की दुर्गति कदापि नहीं होती, उसकी क्या हो जाती है, सदगति हो जाती है। और देखो, महाभारत काल में युधिष्ठिर से 5 प्रश्न यमराज जी ने किए थे। जब उनके भाई जल लेने के लिए गए तो यमराज जी ने उनको वहीं पर सुला दिया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया, अच्छेद कर दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई आए क्यों नहीं वापिस, अभी तक कहां पे रह गए। जब युधिष्ठिर वहां पर गए तो देखा चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो रखे हैं। और जैसे ही वो युधिष्ठिर जल पीने लगे तो ऊपर से देवता यमराज जी कहने लगे, ठहरो, तेरे भाइयों को कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं आया, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे 5 प्रश्न हैं, एक प्रश्न अगर सही कर दिए तो तेरा एक भाई जीता हो जाएगा। 5 प्रश्नों के साथ, 4 प्रश्नों के साथ चारों भाई ठीक हो जाएंगे अगर तुमने सही उत्तर दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा, आप कौन हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कौन से देवता हो। तब यमराज ने कहा, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और ये रेखा युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुझे सबसे पहले कौन सा भाई जीवित में चाहिए, ये भी सोच लेना। यमराज ने युधिष्ठिर की इतनी बड़ी परीक्षा ली कि दांतों तले उंगली चबाने वाला हाल हो गया युधिष्ठिर का। कहने लगा, जो सबसे भाई प्रिय होना उसका नाम लेना। चारों भाइयों को देखा, भीम को देखा, अर्जुन को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, तो युधिष्ठिर ने फैसला किया कि अगर मुझे जीवित चाहिए तो मैं सबसे पहले सहदेव को जीता करना चाहूंगा। महाराज यमराज बहुत प्रसन्न हुए, कहते सहदेव को ही क्यों, भीम को क्यों नहीं चाहते, अर्जुन को क्यों नहीं चाहते। कहने लगे, नहीं, अगर मैं अपने भाइयों में से जीवित करा लूंगा तो तेरे मेरी मौसी जो है वो मेरे को धिकारेगी कि तू तो जीता था ही लेकिन तूने मेरे कुल का ही सर्वनाश कर दिया, इसलिए यमराज मुझे सहदेव चाहिए ताकि कल को मेरी मौसी मेरे ऊपर कलंक ना लगाए, कलंक ना लगाए, मैं कलंक को लेकर के जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मुझे सहदेव को जीवित करना है। और आपका प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न है आपका। तो धर्मराज ने कौन सा प्रश्न ऐसा किया था, पहला कौन सा प्रश्न किया था, युधिष्ठिर से कहने लगे कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा औधा किसका है, ये बताओ मुझे।
धरती से भी बड़ा, आकाश से भी बड़ा, ब्रह्मलोक से भी बड़ा, विष्णु लोक से भी बड़ा कौन सा पद सबसे ऊंचा है, किसका पद ऊंचा है? तो युधिष्ठिर ने किसका कहा था? कहने लगे माता का पद जो है सर्वे श्रेष्ठ होता है, पिता का फर्ज निभाया जा सकता है लेकिन माता का कर्ज आजीवन तक बार बार जब तक जन्म लेता रहेगा देवता भी उसके कर्ज को चुका नहीं सकता। हे अमराज, सबसे बड़ा माता का पद होता है, इसीलिए अपने माता की अपने पिता की सेवा करो। माता पिता की जो सेवा करते हैं ना बालक, उनकी प्रशंसा तो देवता भी आकाश में बैठे बैठे ही करते हैं, समस्त संसार को करता ही है। भाई इन्होंने अपने माता पिता की बड़ी सेवा की। देखो अगर आज हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने माता पिता का मान आदर करेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे हमारा सत्कार करेंगे। अगर हमने ही अपने माता पिता को पानी तक नहीं पिलाया जीवन में तो हम अपने बच्चों से ये उम्मीद ना रखें कि वो हमारी सेवा करेंगे। अपनी जो इच्छाएं थी
उनको इस मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसना नहीं। देखो आगे आप जो उनकी जीवन की जो स्मृतियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो उनकी उपलब्धियां प्राप्त की स्मृतियां, उनके जो कर्म थे, जो उनके कार्य थे, उनको बार बार याद करके ही उनको श्रद्धांजलि दी जाए। आप जो परिवार हैं, माता पिता जो कर्म हैं, जो उनके वचन हैं, उनको निभाना ही एक पुत्र का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आनंद के दर्श परिचय देने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एक परिवार है अपने आप में भी प्रसिद्ध परिवार है, और यहाँ पर आए मान भाव चाहे माता के बहने हो, ये तो दो तीन दिन से अखबार में भी चर्चा भरी हुई है, रोज ही आ रहा है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वापत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। अयोध्या मथुराय अब यहाँ पर कुछ मान स्थान है आनंद परिवार की तरफ से, वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, बता देता हूँ। श्री कृष्ण मंदिर मोहला सचदेवा, बाल विकास प्रसाद धौलपुर शहर, आर्य स्कूल धौलपुर शहर, राधा कृष्ण मंदिर सब सामने दवसा उनको जाएगा, एक अंश गौशाला बलोत्रा जी आके ले लेंगे, एक बालाजी प्रेम आश्रय आश्रम लुधियाना, इनको अंश ये सारा बच्चों के लिए ट्रस्ट है, इनको जाएगा एक अंश मंदिर डेरा बाबा धनिगाम, इनकी तरफ एक अंश जाएगा। इस प्रकार से अंशदान यहाँ पर माता जी के इस शोक सभा में क्रिया के समय बरानंद परिवार के द्वारा दिया गया, तो मेरा सभी महानुभाव माता बहनों से एक निवेदन आनंद परिवार की तरफ से, जिन्होंने भोजन किया हो वो भोजन करके भी अवश्य जाएँ, और यहाँ पर जो आए अपना अमूल्य समय दिया, सभी महानुभाव परिवार की तरफ से धन्यवाद। आए थोड़ा सा मेरे साथ में गायत्री मन